बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप तक न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं मियां नवाज़ करीमी और नज़र डालते हैं आज की खबरों पर। अपोजिशन का मुलगिर एहतजाज का ऐलान। शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान खान ने सिविलियन मार्शल आ नाफिज करके आइन शिकनी की है। अगर अदम इतमाद आर्टिकल 5 के जुमरे में आ रही है तो 24 मार्च को मंजूर क्यों की गयी? अगर अमेरिका से कोई हदायत आई तो 24 मार्च तक इतराज क्यों नहीं उठाया? पाकिस्तानी सफीर ने 16 मार्च को ट्वीट की, डोनाल्ड का शुक्रिया अदा किया, अपोजिशन को गद्दार बना दिया। ये आइन और पाकिस्तान के साथ संगीन मजाक है। ये दुरुस्त है कि इवान की कार्रवाई चैलेंज नहीं हो सकती, मगर स्पीकर को आइन से तजावज का इख्तियार नहीं। मुल्क की सियासी सूरत हाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। हैंडरेड इंडेक्स 800 से ज्यादा पॉइंट्स गिर गया। स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट मुसर्रत जबीन का डिप्टी कमिश्नर कसूर फयाज अहमद मोहल के हमराह कसूर में सस्ते रमजान बाजारों का दौरा। मुसर्रत जबीन के विजिट के हवाले से देखते हैं रुखसार राजपूत की ये रिपोर्ट। स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट मुसर्रत जबीन ने डिप्टी कमिश्नर कसूर फयाज अहमद मोहल के साथ कसूर में बनाए गए सस्ते रमजान बाजारों का विजिट किया। स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने मुस्तफाबाद, मनीर शहीद कलोनी और मॉडल बाजार में कायम सस्ते रमजान बाजारों का भी दौरा किया है। स्पेशल सेक्रेटरी ने फेयर प्राइस शॉप्स, स्टॉल्स, आटा चीनी की दस्तियाबी, सफाई सुथराई समेत दीगर इंतजाम को चेक किया। फेयर प्राइस शॉप्स और फलों, सब्जियों, दालों और मसाला जात की क्वालिटी और रेट्स को चेक किया। स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने आटा, चीनी और दीगर अशियाए जरूरिया के स्टॉल्स का भी मुआयना किया। रमजान बाजारों में खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों से अशिया की मयार और दस्तियाबी के बारे में भी दरियाफ्त किया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने दौरान गुफ्तगू कहा कि रमजान बाजारों का बुनियादी मकसद शहरियों को मार्केट रेट से कम नरखों पर अशिया की फ्राहमी को यकीनी बनाना है और रमजान बाजारों में आटा, चीनी समेत दीगर अशियाए जरूरिया की फ्राहमी को बिला तातिल यकीनी बनाया जाए। रुखसार राजपूत, आप तक न्यूज, कसूर। कोटली पठानावली में बाबा तुफैल खान मरहूम के इसाले सवाब के लिए महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया, जिसमें मौजदीन इलाका मजहबी, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। अजीमुशान महफिल मिलाद मुस्तफा चौधरी हाजी अनायत कादरी अत्तारी जामे मस्जिद अबू बकर सदीक नज़्फ़ जनाज़गाह कोट पीरा मुनक़िद हुई, जिसमें हाफिज मोहम्मद अनीस कादरी ने कुरान करीम की तलावत से महफिल का आगाज किया। हाफिज मोहम्मद असलान कादरी और साईं अल्लाह साहब कादरी ने हदिया दरूद सलाम पेश किया। मेहमानों में मोहम्मद अमीन अफ मौला गंबोआ, महर मोहम्मद आशिक करम इलाही, मियाँ मोहम्मद उस्मान, नासर अली, अहमद अली फौजी, नजीर अहमद, हकीम मोहम्मद रमजान, आबद अली, बाबा हदायत अली, जाबर खान, मोहम्मद वसीम, शब्बीर गोलवी, फैजान समेत आशकाने रसूल की कसीर तादाद ने शिरकत की। बाबा मोहम्मद तुफैल खान मरहूम और चौधरी हाजी अनायत अली कादरी के इसाले सवाब के लिए मकसद की दुआ मांगी गई। अल्लाह पाक मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वाहद जमात है जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रही है। साबिक अदवार में मुल्क को दोनों हाथों से लूटने वाले आज मुल्क के खैरख्वाह बने हुए हैं। ये बात कसूर की मरूफ सियासी शख्सियत हाजी मकसूद साबर अंसारी ने आप तक न्यूज से गुफ्तगू करते हुए की। उन्होंने मजीद क्या कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जैसे कि साबिका अदवार में जो है ना, ये मिल बैठ के आपस में डिसाइड करते थे कि 5 साल हमारे, 5 साल उनके, तो खान साहब इनके इस बात पे आमादा बिल्कुल नहीं हो रहे। और ये मैं आपको बताता चलूं कि ये जितने भी इनके ऊपर केस चल रहे हैं, जरदारी के ऊपर, नवाज शरीफ के ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर, ये इनके अपने ही बनाए हुए हैं एक दूसरे के ऊपर। खान साहब ने तो अभी कोई केस बनाया ही नहीं है, ये केस वही चल रहे हैं जो इन्होंने एक दूसरे के ऊपर बनाए हुए हैं और ये हकीकत पर मबनी है। जब खान साहब इनके ऊपर कोई केस बनाएंगे तो इनको लग पता जाएगा कि कैसे केस बनाए जाते हैं और कैसे इनको सजाएं मिलती हैं। और खान साहब ने जितनी 4 साल में कौम की खिदमत की है, हकीकी लीडर हैं, और पिछले 40 साल में ऐसा लीडर पाकिस्तान को नहीं मिला है। और अगर खुदा न खासा आज हमने खान का साथ ना दिया तो हमारी जो नस्लें हैं वो पछताएंगी। ये जो खान साहब ने पैगाम दिया है मुनाफिकों गिरदारों के खिलाफ जो एहतजाज करने का, हम इंशाल्लाह भरपूर एहतजाज करेंगे और सारी कौम इंशाल्लाह खान साहब के साथ खड़ी थी
खड़ी है और खड़ी रहेगी। रायगढ़ में माहे श्याम के तकद्दस को पामाल किया जाने लगा, खुलेआम मशरूबात और जूस की फरोख्त जारी है। मकामी इंतजामिया की खामोशी एक लम्हे फिक्रिया है। मजीद तफसीलात रायगढ़ से हमारे रिपोर्टर मिर्जा नासर बेग से जानते हैं। जी मिर्जा नासर बेग, क्या कहेंगे? इस वक्त रायगढ़ शहर के मेन चौक में मौजूद हूँ, जहाँ पे ये सुबह के टाइम जो के दुकानदार अशिया खुदनोश लगा के बैठ जाते हैं और सुबह 9-10 बजे दुकानें खोल के रोज़ेदारों को खराब करना शुरू करते हैं। और आज रमज़ानुल मुबारक का पहला दिन था कि लोगों ने 8-9 बजे अपने बेलने वगैरह और अशिया खुदनोश की दुकानें खोल रखी थी। जी इधर हमारे पास अभी एक हाफज साहब हैं, उनसे पूछते हैं कि जी हाफज साहब, क्या शहर में ऐसी दुकानें खुलनी चाहिए? जी का कहना था कि ये बिल्कुल गलत है कि जो सुबह के टाइम महम रमज़ान में दुकानदारियां की जाती हैं, ये हमारे यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर साहब का काम है जो कि अर्बन एरिया के मालिक होते हैं, और ये उनका काम है कि इन लोगों को मना करना कि भाई 4 बजे के बाद आ रहा आदमी रोज़ों में दुकानें खोले। और अशिया खुर्दनोश जो है वो सिर्फ पार्सल बेचे, जब अफतारी होती है फिर बैठ के खाने की इजाज़त दे और लोग आके खाएं अफतारी के बाद। जी आज तक के लिए इतना ही, मजीद खबरों और अपडेट के लिए हमारे साथ रहिए। सना इलाही ते जो मालिक हर हर दा उस दा नाम चतारन वाला किस मैदान निहरदा है, उस दा नाम चतारन वाला किस मैदान निहरदा ते जेड़िया गुडिया जेड़िया गुडिया वो आपे उड़िया वो कद ना चढ़न उचाया ओहो गुडिया चंगिया उड़िया जड़िया साइया आप चढ़ाया है ओह गुडिया चंगिया उड़िया जड़िया साइया आप उड़ाया
ते बुरे बंदे नू मैं उल बने तुरया बुरा लबाना कोई जद मैं अंदर चाती पाई मैं तो बुरा ना कोई है जद मैं अंदर चाती पाई मैं तो बुरा ना कोई ते लखां बेर बेरी नू लग दे कुछ चढ़ जांदे कच्चे जेड़े पकन ते आन मुहम्मद ओ होई खां दे बटे है जेड़े पकन ते आन मुहम्मद ओ होई खां दे बटे मैं नी मां ओ मेरा मुर्शद उच्चा सदके जावा इन्ना उच्चिया कोलो जिन्ना नीवियां नाल निभाई सदके जावा इन्ना उच्चिया कोलो जिन्ना नीवियां नाल